दादा क्या हो गया मोबाइल में? कुछ नहीं हो रहा भाई, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही तो बात कर रहे हैं, जब नहीं आ रही है ना। इसको और कहीं दिखाया था क्या? दिखाया था बाजार में, 150 रुपए मांगे थे। 150 रुपए मांगे थे, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, है ना। तो फ्रेंड, दादा का मोबाइल हमने ले लिया है और लावा का मोबाइल है ये, A1 जो मॉडल आता है फ्रेंड, आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में यही चल रहा है। तो इसको खोल के देख लेते हैं, इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। वैसे दादा जो है बहुत ऐसे ही लग रहे हैं और इनके पास शायद ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं है, इसलिए दुकानों पर भटक रहे हैं। इनने एक जगह दिखाया था इनका फ़ोन, तो 150 रुपये बताए थे यार फ्रेंड। आवाज़ नहीं आ रही है फ़ोन में, और कीपैड वाला फ़ोन है, और 150 रुपये आप ले रहे हो। बुज़ुर्ग इंसान है यार, आप एक बार देख लो किससे कितने पैसे लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। और मेरा तो एक ही कहना है, पहले आप फ़ोन को खोल के देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद पैसे बताओ। आजकल क्या है, बहुत से दुकानदार क्या है कि लोगों को यार मतलब इतने पैसे नहीं लेना चाहिए यार, पहले आप काम देखो। ये आप फ़ोन देखो ना यार दादा का, ये बैटरी ढीली थी फ्रेंड इसकी, दादा ने टिकी लगा के रखी है, ना कोई कागज़ लगाया है, देख सकते हैं आप। तो स्क्रू खोल लिए हैं मैंने इसके, अब स्क्रू खोल के मैं देख लेता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे मैंने इसको चेक भी नहीं करा है, फ़ोन चालू हो रहा है, रिंगटोन की आवाज़ आ रही है, तो सीधी सी बात है कि इसमें माइक की प्रॉब्लम होगी। तो हम देख लेते हैं इसको खोल के फ्रेंड, ये फ़ोन खोल लिया है मैंने, और इसकी बॉडी भी टूटी हुई है फ़ोन की। और दादा जो है बहुत बुज़ुर्ग है और बहुत गरीब इंसान है, तो मैं पहले फ़ोन को खोल के देखूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये माइक लगा हुआ है फ्रेंड, माइक का वायर उचका हुआ है यार इसमें, ये देख सकते हैं आप, पूरा लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैंने दादा से फ़ोन लिया और सीधा मैंने इधर मेरा कैमरा चालू कर दिया, पूरा लाइव प्रूफ देख लो आप फ्रेंड। ये माइक का एक वायर निकला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इस पे वो वाला माइक डला हुआ था विदाउट सोल्डिंग वाला, विदाउट वायर वाला, ये SMD से डलता है। तो दादा ने पहले कहीं करवाया होगा, तो एक वायर इसका उचका हुआ है। वैसे इस पे वायर ढंग से साल्ड हुआ नहीं था फ्रेंड, तो वो वायर उचक गया तो आवाज़ जाना बंद हो गई। तो दादा ने दिखाया होगा कहीं, तो उनको 150 रुपये बताए थे। तो फ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, ये माइक नहीं फ्रेंड, इसमें मैं दूसरा माइक डालूँगा। वैसे माइक अगर चालू भी होगा तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें दूसरा अच्छा वाला माइक मैं एक डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने का आता है माइक ये सभी दुकानदारों को पता है। ये मैंने दूसरा माइक ले लिया है, 4-5 रुपये का माइक आता है फ्रेंड। तो हम दूसरा माइक इसमें दादा को डाल के देंगे। और यार 150 रुपये आप, 200 रुपये आप माइक डालने के ले रहे हो, पहले इंसान देखो यार कि कौन इंसान है, कैसे कमाता है, क्या करता है, उसके बाद आप पैसे लिया करो। आजकल बहुत से दुकानदार क्या है फ्रेंड यार, बहुत लूटते हैं लोगों को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस पे दूसरा माइक लगा देता हूँ और दूसरा माइक साल्ड करके और दादा को फ़ोन पैक करके दूंगा, और दादा से मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। देख लेते हैं क्या होता है। वैसे दादा खड़े हुए हैं बाहर, आप दादा को देख सकते हैं, थोड़े परेशान भी लग रहे हैं वो, ये देख सकते हैं आप दादा को। तो मैं इसमें माइक मैंने डाल दिया है फ्रेंड, अब मैं पैक कर देता हूँ फ़ोन को। और यार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत से लोग क्या है वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं इसमें स्क्रू कस देता हूँ, इसमें पूरे स्क्रू कस के और इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आगे से अगर फ़ोन ये गिरे तो डबल से ख़राब ना हो ये। और दादा पैसे का बोल रहे हैं मुझसे कि पैसे कितने हुए हैं, तो पैसे दादा से लेने ही नहीं है क्योंकि कंडीशन उनकी ख़राब है। रहने दो दादा, नहीं कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, ले लो मोबाइल, हो गया कर दिया मैंने।